तुम्हें ना हेल्प की जरूरत है। तो हेल्प उस वक्त मैं लूंगा ना जब कोई हेल्प देगा मुझे। मैं उस हेल्प की बात नहीं कर रहा। करनी हो मुझे ये बताओ कि उसकी इंगेजमेंट का तुम्हें किसने बताया? वो मैं नहीं बता सकता तुम्हें। ये अच्छा है, जब कुछ बताना नहीं है सुनना नहीं तो मैं क्या मशवरा दूं तुम्हें? क्या देखो, बात बड़ी सिंपल है, मुझे उससे शादी करनी है। तो जिससे करनी है जाके उससे कहो ना, मुझे और मॉम को क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए जुनैद क्योंकि वो मेरा यकीन नहीं करेगी। अगर वो यकीन नहीं करेगी तो तुम भी खुद पे यकीन मत करो। ये क्या बात हुई? सालार मोहब्बत चांद की तरह होती है, जो आसमान के कालेपन को चीर के पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक का लोहा मनवाती है। या फिर यूं कहूं कि मोहब्बत सूरज है जिसकी तरफ तुम ना भी देखो तब भी उसकी तपिश तुम तक पहुंच ही जाएगी। तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है ना, वो उस तक पहुंच चुका होता। यार वही तो मैं कह रहा हूं, बोलने की क्या जरूरत है, वो समझती क्यों नहीं है? सूरज आसमान पे जाहिर हुए बगैर तुम उसकी तपिश महसूस कर सकते हो? नहीं ना। जब तक इजहार नहीं करोगे तब तक उसका यकीन कर लेना नामुमकिन है। तो इजहार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। चलो अब जाओ, what are you waiting for? तस्वीर जागती है जब दिल में हो मोहब्बत, तकदीर जागती है टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी ये जिंदगी हमारी, दामेरबा मिलेगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चाय बनाओ आपके लिए। नहीं नहीं बैठो। ये बताओ कि क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि अम्मी सलमान की तारीख तय करने मुझे भी तो साथ ले जा सकती थी। देखो अम्मी ने तुम्हें बता दिया ना कि वो अकेले गई हैं, तो बात खत्म। मगर निमी, निमी भी सुबह से बहुत अजीब। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, आपको ऐसा लगता है? देखो सोया, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अम्मी और निमी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे वो मुझे लेके जाना ही ना चाहती हूँ। ऐसी सोचों को अपने दिल में जगह मत दो, इससे सिर्फ और सिर्फ फैमिली में तलखियां पैदा होती हैं और कुछ नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम उसे समझाने की बजाय उसे इनकरेज कर रहे हो। इनकरेज नहीं कर रहा हूं मैं, उसे सपोर्ट कर रहा हूं, फर्क है। क्यों? भाई क्योंकि मेरे टाइम पे उसने किया था ना, इसलिए। जुनैद, हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने हमें सपोर्ट किया था। सपोर्ट करने के लिए डिसीजन का ठीक होना जरूरी नहीं है, आपका सपोर्टर आपसे मुखलिस है ये जरूरी है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम उसकी शादी में गवाह बनना चाहते हो? तुमसे किसने कहा है कि उसकी शादी वहां हो जाएगी? फिर सपोर्ट क्यों कर रहे?
क्योंकि मॉम और डैड उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब जब वो नाकाम होके वापस आएगा तो कम से कम किसी का कंधा तो हो जिसे वो हमदर्द समझ कर रो सके। जब मॉम डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें बुरा बना बोलेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबा मेरे मजीद और वो कितना खिलाफ होंगे, ऑलरेडी उतना खिलाफ है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हाँ बेटा, एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग फाइन। ओ, मैंने कल एक छोटा सा डिनर रखा है, आई वुड लाइक यू टू कम। कुछ दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो तो यू वेलकम। नो थैंक्स, आई एम गुड। एक्चुअली मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा, ज्वाइन तो तुमको करना होगा क्योंकि ये डिनर खास तौर पर तुम्हारे लिए अरेंज किया है मैंने। देखिए डैड, जब मुझे आपके सोशल डिनर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जबरदस्ती किस बात की है? ये जिसको तुम सोशल डिनर्स कहते हो ना, एक्चुअली ये यहाँ का बिजनेस सर्कल है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट, ये जो बिजनेस सर्कल है ये बड़ा विशेष है, ये किसी का दोस्त नहीं है। सब टांग खींचते हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारी साख खराब करते हैं मार्केट में। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी कमजोरी की वजह से हमारी साख खराब हो। आपकी कौन सी रेपुटेशन खराब की है मैंने? हमारी से मुराद मेरी नहीं, हमारी रेपुटेशन है। I'm sorry dad, लेकिन मैं अभी भी आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा बिजनेस छोड़कर अपना शौक पूरा करना चाहते थे और एक बाप के नाते मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, आई हेल्प्ड यू, और तुम्हारा इस तरह सब कुछ छोड़कर वापस आ जाना। लोग मार्केट में बातें कर रहे हैं, वो मेरे बेटे के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो? लोग कह रहे हैं कि तुम मुस्तकिल मिजाज नहीं हो बेटा, और मैं लोगों का ये परसेप्शन जो है तुम्हारे बारे में, आई वॉन्ट टू चेंज इट। मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस डिनर ज्वाइन करने से मेरे बारे में लोग अपनी राय बदल लेंगे? बिल्कुल बदल लेंगे। Really? Could you kindly explain to me how that's going to be possible? मैंने सबसे कहा है कि तुम मेरे बुलाने पर आए हो और कल सबके सामने मैं अपने बिजनेस का टोटल चार्ज तुम्हें दूंगा। लेकिन मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना डैड, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मत करो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन कल मेरी बातों की तायद तुम करोगे। ओके, यू हैव टू डू दैट बेटा। जिस तरह से आधी कोई। ओ हेलो, क्या किसने कहा कि हमारा आपस का मामला नहीं है? तो फिर है क्या? हाँ तो है। तुम पागल वागल तो नहीं होगी? तुम इसके कैरेक्टर को जानती हो? जानती हूँ, क्यों नहीं जानती? और फिर भी इससे मंगनी करोगी? मंगनी तो हो गई है, अब शादी करूंगी। यार सितारा, मैं जरा सा क्या चला गया, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए। तो क्या करती, रोकर तुम्हारा इंतजार करती कि तुम आकर मेरे फैसले करोगे? हाँ तो कर सकती थी, मैं कौन सा हमेशा के लिए चला गया था सितारा? मंगेतर है मेरा और हम शादी करने वाले हैं।